हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की रीडिंग देखते हैं आज की रीडिंग के आपके जो पार्टनर हैं उनका मूड अभी इस समय कैसा है। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। चलिए देखते हैं आज की आखिरी रीडिंग। यानी कि मैंने सोचा था कि मैं रीडिंग नहीं करूँगी अभी, लेकिन फिर मैसेज आ रहा है कि दी कब रीडिंग अपलोड करोगे। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो कर देती हूँ। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन का मूड अभी इस समय कैसा है। ठीक है, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके ओके, मूड कैसा है जनाब का, है ना। हम डेली देखते हैं तो आज भी देखेंगे ही। बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, एस ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड, बहुत ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है ये। मूड तो अभी के पार्टनर का अभी मुझे फ़िलहाल दिख रहा है कि ये आपको ऑफर करने के मूड में है। जैसे कि आपको एक नया ऑफ़र करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये पर्सन के अंदर है आपके सामने प्रपोज़ल रखने का, आपके सामने प्रपोज़ल रख करके आपकी जज्बातों के साथ, है ना, मैच 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 मिलाने का। ठीक है, यानी कि मैचिंग मैचिंग करने का। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत हद तक ये आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना आपके, यहाँ पे आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा फील होता है कि इस पर्सन ने ना, हो सकता है कि पास्ट में आपको प्रपोज़ल ना दिया हो, या आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो। तो दिख रहा है कि पर्सन आपको प्रपोज़ल भी दे सकते हैं। और एक हद तक मैं देखूँ ना तो आपके सामने प्रपोज़ल आता हुआ भी दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है। जस्टिस, ओके, एट ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो पर्सन है यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी एनर्जी में है। यानी कि अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन आपको लेकर के मुझे काफ़ी ऐसी एनर्जी दिखा रहे हैं, मतलब कि ऐसा मूड इनका दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन डीपली सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इनकी डीप थिंकिंग है, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इनकी डीप थिंकिंग है। और डीप थिंकिंग होने के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये पर्सन स्टक से हो गए। इनका मूड अभी कुछ ना कुछ, जैसे होता है ना कि हम लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, सब कुछ देखते हैं, बस हम देखते रह जाते हैं, वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है इस पर्सन की, कि सब कुछ जो है ना ये पर्सन देखते हुए रह जा रहे हैं आपके पर्सन। मैं यहाँ पर ये भी देखूँ तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के एक बहुत ही डीप सी एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे कि ये पर्सन बहुत डीपली सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप में इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक जो होता है ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, अगर रिलेशनशिप है तो है, चलो ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो कहीं ना कहीं स्टक सी होती हुई दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, हालांकि इस पर्सन का पूरा मन है आपके साथ आगे बढ़ने का, आपके साथ रिलेशनशिप में पूरा अपना एफर्ट डालने का। ठीक है,
लेकिन ये पर्सन जो है ना यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, देखो उन इनका मूड बहुत ज़्यादा हो रहा है आपसे अभी इस समय बात करने का। मैं यहाँ की एनर्जी के अनुसार से देख पा रही हूँ कि ये पर्सन का मूड बहुत 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 ज़्यादा फास्ट भाग रहा है। फास्ट भागने का मतलब यही है कि ये पर्सन बहुत टाइम से इन्होंने सोच रखा है, बहुत टाइम से, कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ये पर्सन आपकी तरफ रिलेशनशिप को बढ़ाएंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि ये जो पर्सन है आपके, इन और आउट करते रहते हैं, तो वो सिचुएशन को ख़त्म करना है। इनका मूड अभी फ़िलहाल बहुत डीपली में ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि इनको जो है फाइनल डिसीजन क्या देना चाहिए, फाइनली आपको क्या बोलना चाहिए, फाइनली इनको क्या बताना चाहिए आपको। मतलब एक जो होता है ना कि फाइनली इनका पूरी तरीके से क्लियर होता है कि हाँ मुझे ये करना है, ये बताना है, या ये बोल दूंगा, या फिर ये मैं कर दूंगा, है ना, तो वो भी मान जाएगी, वो आप मान जाएगा, है ना। तो आपके पर्सन का मूड है आपको मनाने का, आप रूठ गए हो तो आपको मनाना है, आपको जस्टिस देना है, और आपको जस्टिस दे करके ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। ठीक है, तो मेन है यहाँ पे जस्टिस देना, आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, मुझे बहुत यहाँ पे मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि होता ना कि सिचुएशन को हम मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो वो मुझे दिख रहा है, मैनेज करना, बैलेंस करना, है ना। तो आपके पर्सन बैलेंस करते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दूरियाँ चाहे कितनी भी आई हो आप दोनों के बीच में, बट अब दूरियों को ख़त्म करने का समय आ चुका है, दूरियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं, और अब जो है आपके रिश्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके आपके रिश्ते में बहुत ही खूबसूरत सा चेंज आता हुआ मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में एक खूबसूरत सा चेंज आने वाला है। ठीक, तो आपके पर्सन अभी आपको मिस भी कर रहे हैं, आपकी बातों को, आपकी एनर्जी को, आपको, है ना। तो ये पर्सन का मुझे दिख रहा है क्लियरली कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। तो अभी हम करते हैं रीडिंग को ख़त्म। छोटी सी रीडिंग थी, चूँकि ज़िद्द था कि दी रीडिंग नहीं दोगी क्या। ठीक है, मैंने रीडिंग दी, मन नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, दिल नहीं तोड़ते किसी का, है ना, वो बहुत गलत बात है किसी का दिल तोड़ना, तो वो नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।